जो बचपन में छोटे छोटे वाकयात बच्चों के साथ इस तरह की होती हैं, ये उनकी शख्सियत इसीलिए बन जाते हैं कि जो आज का पत्थर है वो कल का पहाड़ बन जाना है। इसलिए हमें इन चीज़ों की बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं अपनी वर्कशॉप्स में अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से येलो कलर किसको पसंद है, तो कुछ बच्चे हाथ कर जी में मैं कहता हूँ ये बताएं आपको येलो कलर क्यों पसंद है, तो देयर इज नो आंसर। तो आप कभी गौर करके देखें अपनी शख्सियत पर भी, प्यारे सुनने वाले भी देखने वाले भी इसको जो है ये कर सकते हैं कि क्या आपको पता है कि आपको ये जो चीज़ें पसंद और नापसंद है इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी लॉजिक क्या होती है। देयर इज़ नो लॉजिक। ठीक, आप कहेंगे जी वो तो ट्रैक्टरों के पीछे भी लिखा हुआ होता है कि पसंद अपनी अपनी। ठीक है, ये तो पसंद तो अपनी अपनी है। सवाल ये पैदा होता है ये पसंद कब बनती है, तो ये बचपन में बनती है। जो वाकयात बचपन में हमारे साथ अच्छे होते हैं, फ़र्ज़ करें आपको बचपन में किसी ने प्यार किया, बहुत प्यार किया, उसने जो है ये नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो प्यार वो अंदर चला गया, लाशऊर ने उसको सेव किया और उसने जो चीज़ आपके अंदर रहने दी, आपकी एक्टिव मेमोरी में, आपके लाशऊर में डाली, वो सिर्फ उस प्यार के साथ रिलेटेड कलर था। चुनाचे आज आप बड़े फख्र से कहते हैं जी मुझे नीला कलर पसंद है, पता क्यों? आपको नहीं पता क्यों। सब्ज़ी पसंद है फलां क्यों पसंद है, हो सकता है जिस दिन पकी है वो सब्ज़ी उस दिन अम्मी ने बड़ी तारीफ की हो, आपका लाशऊर उस वक्त अभी बिल्कुल उस हालत में था कि वो इब्तदाई उसकी प्रोग्रामिंग हो रही थी,